हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल, आप देख रहे हैं संधू ब्लॉग्स। तो आज हम आपके लेके आए हैं एक्टिवा 125 BS6 टॉप मॉडल। तो आप देख सकते हैं लास्ट हम तो हमारे घर पे आ चुकी है, तो कल रात ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए हम अब दिन में आए हैं। देखते हैं हम आपको पूरे उसके फीचर्स बताएंगे कैसे चलते कैसे नहीं। तो आगे मैं जो दिखाते हैं आपको, हमारे पास सिर्फ एक ही कलर था, बाकी बुकिंग पे थी, 2 मंथ लग जाते तो अब यही कलर लेना पड़ा हमें। ओके, अच्छा दिख रहा है आपको कलर, बेस्ट है, डार्क ब्लू कलर है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी लुक देख ली आप, ब्रांड न्यू लुक है दोस्तों। ये एक्टिव 125 अलग है, BS4 से बिल्कुल अलग है, इसकी सबसे अलग है। और उसकी मेन बात पे आते हैं, आपको मैंने स्टैंडर्ड मॉडल दिखा दिया था तो उसमें आपको जो कोई फीचर्स नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड मॉडल में, तो ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको हर एक फीचर मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें देख लीजिए काफ़ी अच्छी प्लेटिंग है एक्टिव 125 की, काफ़ी लुक अच्छी दी गई है, आपको दिखा देता हूँ। इसका मीटर देख लीजिए, मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको, ये देख लें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें स्टैंड का लोगो भी मिलेगा, अगर आप स्टैंड अगर ऊपर करते हैं तो फिर तो ही स्टार्ट होगी, अगर स्टैंड लगा हो तो स्टार्ट नहीं होगी। इसमें ये फीचर्स है, अगर स्टैंड लगा हो तो ये स्टार्ट नहीं होगी। इसमें आपको एक पास का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें इंडिकेटर है, एक हॉर्न है और इसका स्टार्ट ये है। इसमें आपको इसमें स्टार्टर नहीं लगा है, इसमें लगी है मोटर, जिससे स्टार्ट बिना साइलेंट स्टार्ट होता है बिल्कुल। ओके, मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, स्टैंड लगा है, इसमें स्टार्ट लगा है तो ये स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे को स्टैंड से हटानी पड़ेगी। और देख सकते हैं, देखिए स्टैंड हटाया तो ऑप्शन हट गया है, हाँ मैं इसको स्टार्ट करूँगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट हो चुकी है हमारी स्कूटर, स्टैंड लगाया बंद होगी, इसलिए स्टैंड ऑन करने स्टैंड ऊपर करने भी चलेगी। देख लो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गई है, ओके हाँ, उसकी साउंड सुनाते हैं थोड़ी, रेस में दे दी, रेस दी है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल साइलेंट इसका इंजन है, कोई आवाज़ नहीं करता है, कुछ कुछ नहीं। इसमें देखिए स्टिकर भी लगाया गया है BS6 का, BS6 मॉडल है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलता है जिससे आपकी एवरेज बहुत अच्छी रहती है। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 12 किलोमीटर चल पड़ी है आज तक, मैं देखूँ यहाँ से ऑप्शन चेंज होते हैं। ये देखिए तुम, हमारी जो एवरेज है वो 42 की हो चुकी है, अभी सिर्फ 12 किलोमीटर चली है, अभी हमने कल ही इसको निकाला है और आज की एवरेज 42 की पहुँच गई, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा है तो इसमें एवरेज बहुत हमें अच्छी मिलेगी। और देख लिए रेंज बता रहा है, इसमें 116 किलोमीटर चलेगी, रेंज भी बताता है कि कितने आपकी रह गई है। ये देखो दोस्तों, इसमें LED है आगे, ये देख लो काफ़ी हमें लुक देती है अच्छी, और नीचे इसमें शेडिंग में आपको इंडिकेटर मिलते हैं और इसमें लाइटिंग जगती है। देखिए काफ़ी ग्रेन्यू लुक है इसकी, कितनी अच्छी लुक है, देखिए मौके रिपोर्ट है। ये देखिए पीछे से भी बिल्कुल चेंज है, और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, अगर आप पेट्रोल पवाते हैं तो हमें उतरना पड़ता है, इसमें अब फ्यूल हमें पीछे दे गया है, देखिए फ्यूल वाला मैं आपको बता, ये देखिए ये सीट का है और ये है फ्यूल, इसको हमने दबा और ये देखिए हमारा ये ऊपर हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये हमें डलता है फ्यूल, हमें उतरने की ज़रूरत नहीं है, पीछे डल जाएगा आराम से, इसमें ये खासियत बात है। और इसमें सबसे मेन चीज़ हमें आगे डिक्की में दी जाती है, ये देखिए ये किसी और स्कूटर में नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, ग्लव्स रख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसमें हमारा फ़ोन आ गया, अपने कहीं जाना है इसमें फ़ोन रख सकते हो, कंघी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इसमें। ये देखिए दोस्तों, मैंने कंघी जैसे रखी है इसमें, इसमें छोटे मोटे आपके सामान कागजात हर एक चीज़ आ जाती है। अब मैं इसको डिक्की दिखाता हूँ आपको खोल के इसकी, देखिए फ्रेंड्स इसकी सीट है, इसमें हमें हेलमेट जो है हमें पीछे से फ्री मिला है, अब देखते हैं इसका हेलमेट कितना अच्छा दिया गया हमें। देखिए फ्रेंड्स, जो होंडा वालों ने हेलमेट दिया है हमें, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक है इसकी भी, ये कागजात है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिक्की है, काफ़ी बेहतरीन
काफी बेहतरीन दिखी है। हमें नंबर आज ही मिल चुका है, देखते हैं। हमारी गाड़ी का नंबर है जो 9757 दिया गया है। अभी नंबर प्लेट आई नहीं है ना, इसकी एक्सेसरी आई है, अभी उसको टाइम लगेगा आने में, तो क्योंकि अभी नहीं है। अभी ये यहाँ पर कहीं ज़्यादा ली नहीं है लोगों ने, जहाँ हम लेने गए वहाँ पर एक ही दो एफ स्कूटरी थी, तो हमें एक हमें पसंद आई तो हमने वो निकाल ली। तो हमें प्राइसिंग इसकी पूरी 85,000 तक इसकी पड़ चुकी है, जो 5,000 तक पड़ चुकी है, और किस्तें हमने किस्तों पर लिया, तो किस्तों पा के 1,10,000 तक इसकी पेमेंट बन चुकी है। तो हम इसकी राइडिंग अगर दिखाएंगे, इसकी राइडिंग कितनी स्मूथ है, कितनी सॉफ्ट लिया, हम आपको दिखाएंगे इसकी राइडिंग कैसी रहती है। जैसे कि हम आपको राइडिंग दिखाने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी इसकी पिकअप है दी गई है, बिल्कुल साइलेंट चल रही है, आप देख सकते हैं। हॉर्न भी हमें इसे नॉर्मल स्कूटरी का नहीं दिया जाता, इसमें हमें जो बाइकों में होंडा की बाइकों में जो हॉर्न होता है हमें वो दिया गया है, क्योंकि ये स्कूटर के मुकाबले है, तो इसमें इसे हम स्कूटरी बोलेंगे। देख रहे हो कितना साइलेंट चल रही है, और इसकी पिकअप भी काफ़ी अच्छी है। कितनी स्मूथली चल रही है, इसकी हैंडलिंग सब ओके है, एकदम स्मूथ चल रही है। इसे हमें शॉकर भी हमें पूरा ओके रिपोर्ट दिए जाते हैं कि बस जो काफ़ी बड़े खड्डे हैं उसमें हमें मतलब हमें दिक्कत नहीं आती है, जो नॉर्मली ये हर खड्डे से निकल जाती है। इससे रोड से कितना ख़राब है, फिर भी ये ज़्यादा मतलब हमें चुनके नहीं लगा रही है। आदमी इसमें कंफर्टेबल आ जाते हैं, इसकी ग्रिपिंग अच्छी है, इसकी स्पीड अच्छी है, इसमें हमें पिकअप बहुत अच्छी मिल जाती है, हर एक चीज़ अच्छी मिलती है इसमें, इसमें कोई कमी नहीं है। नॉर्मल जो स्कूटरीज होती हैं इसमें हमें थोड़ी बहुत कमी दिखने को मिलती है, लेकिन इसमें सारी कमी है जो वो होंडा ने ख़त्म कर दी गई है, इसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। बस इसकी प्राइसिंग वो थोड़ी बढ़ा दी गई है, आप इसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी।